जो पशुपालक भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अपने डेयरी फार्म पर गाय रखे या भैंस। गाय से ज़्यादा मुनाफा होगा या भैंस से ज़्यादा मुनाफा होगा? गाय का मैनेजमेंट आसान है या भैंस का मैनेजमेंट आसान है? नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको कुछ पॉइंट्स के आधार पर बताऊंगा कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इतने रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। वे डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस, इसका निर्णय हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। जैसे कि कौन से पशु से हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, कौन से पशु का मैनेजमेंट आसान है, कौन से पशु में बीमारियां कम होती है, डेयरी फार्म लगाने में गाय में ज़्यादा खर्चा होगा या भैंस में ज़्यादा खर्चा होगा, कौन से पशु का ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है, कौन से पशु का दूध ज़्यादा मात्रा में होता है, कौन से पशु के दूध की रेट ज़्यादा मिलती है, हमारे डेयरी फार्म का उद्देश्य क्या है, हमारे डेयरी फार्म का लेवल कितना बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेयरी फार्म के उद्देश्य के बारे में। डेयरी फार्म के दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो आप अपने घर के लिए डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं। ज़्यादातर डेयरी फार्म बिजनेस पर्पस के लिए ही होते हैं। आप अगर घर के लिए डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आप अपने घर के लिए भैंसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अपने डेयरी फार्म पर गाय ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी या भैंस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। अगर डेयरी फार्म के मैनेजमेंट की बात करें तो गायों का मैनेजमेंट थोड़ा आसान होता है भैंसों के मुकाबले, क्योंकि गायों का अगर डेयरी फार्म हम रख रहे हैं तो वहाँ कम लेबर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम भैंसों का डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। जहाँ 50 गायों के लिए सिर्फ 2 या 3 लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ अगर सिर्फ आप 20 भैंसे भी रख रहे हैं तो आपको 3 से 4 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आप भैंस का डेयरी फार्म रख रहे हैं तो आपको फीडिंग में और अन्य जो गतिविधियों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसमें ज़्यादा लेबर लगेगी, लेकिन जो गाय का डेयरी फार्म है तो उसमें फीडिंग का मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाता है। उसके अलावा आप गाय के डेयरी फार्म में गायों को खुली रख सकते हैं, लेकिन भैंसों को खुली रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनमें सींग टूटने या लड़ने की समस्या ज़्यादा होती है। वहीं आप गायों को खुला रख सकते हैं, गायों को पानी पिलाने में और अन्य गतिविधियों में भी आसानी रहती है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो गाय ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अगर बीमारियों की बात करें तो भैंसों के मुकाबले गायों में ज़्यादा बीमारियाँ आती है। गायों में थनेला और अन्य रोग ज़्यादा होते हैं, वहीं भैंसों में थनेला रोग की समस्या नहीं होती है। भैंसें विभिन्न तरह के तापमान में खुद को सेट कर लेती है, लेकिन गायें विभिन्न तापमान में सेट नहीं कर पाती और जिस कारण ज़्यादा बीमार होती है। वहीं हम होलिस्टर नस्ल की गायों की बात करें तो वो ज़्यादा बीमार होती है तथा वो तापमान बढ़ने पर उनका दूध एक बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसलिए अगर हम तापमान की बात करें तो भैंसें विभिन्न तापमान को सहन कर सकती है। आपके डेयरी फार्म का लेवल कितना बड़ा है उस हिसाब से भी आप अपने डेयरी फार्म पर गाय या भैंस रख सकते हैं। अगर आपका डेयरी फार्म छोटा लेवल का है तो आप भैंसें रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेयरी फार्म ज़्यादा बड़े लेवल का है, यानी कि अगर आपके पास 50 से ज़्यादा पशु है, तो फिर आपको गाय रखनी चाहिए, क्योंकि आप भैंसों में मिल्किंग मशीन के द्वारा मिल्किंग नहीं कर सकते हैं, वहीं आप गायों में मिल्किंग मशीन के द्वारा कर सकते हैं, जिससे बहुत कम समय में ज़्यादा पशुओं की मिल्किंग कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका डेयरी फार्म ज़्यादा बड़े लेवल पर है तो फिर आपको गायों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका डेयरी फार्म छोटे लेवल पर है तो आप गायें भी रख सकते हैं या फिर भैंसे भी रख सकते हैं। दूध की मात्रा की बात करें तो गायें भैंसे को मुकाबले में ज़्यादा दूध देती है, उनको ज़्यादा दूध निकलता है, वहीं भैंसों का दूध कम होता है। जैसे अगर आपके पास एक अच्छी नस्ल की होलिस्टर गाय है तो वह एक दिन का 20 से 30 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक भैंस है तो वह एक दिन का 10 से 15 लीटर तक ही दूध देगी। दूध की अगर फैट की बात करें तो गायों के दूध की फैट कम आती है, 3 से लगाकर 4.5 तक ही आती है, लेकिन भैंसों के दूध की फैट ज़्यादा आती है, 6 से लगाकर 10 तक की फैट भैंसों की आ सकती है। दूध की रेट की बात करें तो गायों का दूध सस्ता जाता है, लेकिन वहीं भैंसों का दूध महंगा जाता है। गायों के दूध की रेट की बात करें तो 30 से लगाकर 45 रुपये तक जाता है, वहीं भैंसों का दूध 60 से लगकर 70 रुपये लीटर तक जाता है। डेयरी फार्म की लागत की बात करें तो भैंसों का डेयरी फार्म स्टार्ट करने में ज़्यादा खर्च होता है, वहीं गायों का डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कम खर्च होता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी नस्ल की भैंस लेने जाएंगे तो वो 1 लाख से लगाकर 1,20,000 तक आपकी एक भैंस आएगी। वहीं अगर आप एक अच्छी नस्ल की गाय लेने जाएंगे तो 50 से लगाकर 70,000 रुपये में आपको एक अच्छी नस्ल की गाय मिल जाएगी। इसलिए डेयरी फार्म लगाने में जो कॉस्ट की बात करें तो भैंसों के डेयरी फार्म में ज़्यादा कॉस्ट आती है और जो गायों का डेयरी फार्म होता है उसमें कम कॉस्ट आती है। पशुओं का जो ड्राई पीरियड होता है वो पशुपालक भाइयों की कमर तोड़ देता है। ड्राई पीरियड से मतलब है कि वो समय जब आपका पशु दूध नहीं देता है उस समय को ड्राई पीरियड कहते हैं।
ड्राई पीरियड की बात करें तो भैंस का ड्राई पीरियड 6 महीने से लगाकर 9 महीने तक होता है, वहीं गाय का ड्राई पीरियड मात्र 2 से 3 महीने तक होता है। यानी कि गाय 2 से 3 महीने ही दूध नहीं देगी और वापस दूध देना प्रारंभ कर देगी नए ब्यात में, वहीं भैंस नए ब्यात से पहले 6 से लगाकर 9 महीने तक दूध नहीं देगी। और जो 6 से 9 महीने तक भैंस दूध नहीं देगी उस समय में भी आपके खर्चा तो वही आएगा, सिर्फ जो फीड का खर्चा होगा यानी कि जो आप दाना देते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, उसका खर्चा बचेगा। लेकिन 6 से 9 महीने तक आप पशुओं में खर्चा वो होगा और आपको दूध प्राप्ति नहीं होगी तो उस समय आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, आप अपने डेयरी फार्म का दूध कहाँ सेल करते हैं वो भी निर्भर करता है कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस। जैसे कि गाय का दूध पतला होता है और सस्ते रेट में जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई फिक्स स्थान है, जैसे कोई दुकान वाला है और वो आपका फिक्स रेट में दूध ले रहा है कि जैसे कि होलिस्टर्न नस्ल की गाय है और वो कह रहा है कि मैं 35 से लगाकर 40 रुपये लीटर आपका दूध ले लूँगा, मुझे फैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ गाय ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन अगर आप डेयरी पर फैट के रूप में दूध देते हैं तो वहाँ गाय के दूध की फैट कम आती है और जहाँ खास करके होलिस्टर नस्ल की फैट कम आती है तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी है या भैंस। क्योंकि भैंस का दूध अगर आप डेयरी फार्म पर दे रहे हैं फैट के हिसाब से दे रहे हैं तो ज़्यादा महंगा जाएगा। पशुपालक भाइयों, आप इन विभिन्न पॉइंटों के हिसाब से तुलना कर लेवे और उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि मुझे अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस। अगर आपका डेयरी फार्म ज़्यादा बड़े लेवल पर है तो आपको गाय ही रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपका डेयरी फार्म छोटे लेवल का है तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी है या भैंस। भैंसों का सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट और दूसरा ड्राई पीरियड। भैंसों का ड्राई पीरियड ज़्यादा होने के कारण पशुपालक भाइयों की कमर तोड़ देता है, तो आप इस हिसाब से खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी है या भैंस। पशुपालक भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवे तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने डेयरी फार्म पर गाय रखना पसंद करोगे या भैंस रखना पसंद करोगे। क्योंकि हम जहाँ जहाँ राय लेते हैं तो जो भैंस रखने वाले बोलते हैं कि आप भैंस रखो और गाय रखने वाले बोलते हैं कि गाय रखो। पशुपालक भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे क्योंकि हम पशुपालन से संबंधित ऐसे साइंटिफिक वीडियो समय समय पर बनाते रहते हैं।